हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीएस केबीपी ग्वालियर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जेएनकेबीपी में अगर आपको मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको उसके जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आप एक अपनी सीट यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एमपी ऑनलाइन के द्वारा। देन यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो दो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटीज हैं एमपी में कृषि से रिलेटेड। तो पहली है आपकी कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, और दूसरी है आपकी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। इन दोनों यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना होता है। तो देन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। देन इसके बाद हम देखें तो ये है आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपका मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए, एडमिशन टू मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम ऑफ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एंड राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर विल बी थ्रू एन ऑनलाइन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ऑन द 26th जून 2022 बाय एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। और इसमें जो अप्लाई करने की आपकी डेट है वो 20 मई से लेके आपकी 10 जून तक की इसमें बेसिकली डेट दी गई है। तो इसमें जो डिफरेंट डेट्स हैं आपकी, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है 20 मई से लेके आपके 10 जून के बीच में। इसकी जो आपकी फीस है 950 प्लस 500 की इसमें टोटल फीस है यहाँ पे, तो आपको 1450 रुपए यहाँ पे आपको फीस पे करनी होगी। देन आप करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में इस डेट के अंतर्गत, और देन आपका जो एग्जाम होगा बेसिकली 26 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो देन आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, और क्या आपको पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है एमपी का, उसका पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये इसमें बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपके टोटल 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स अगर हम देखें 100 क्वेश्चंस के, तो टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। और अगर हम बात करें अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो देन आपको वहां पे 1 मार्क्स यहाँ पे मिलता है, प्लस 1 मार्क्स आपका ऐड होगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत लगाते हैं, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही हो जाता है, एग्जाम के पैटर्न से पता चल जाता है कि आप जब भी इस एग्जाम को देंगे आपको 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि 25% प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कि आपका ऑप्शन सही होगा। तो देन इस पॉइंट का आपको यहाँ पे बेनिफिट लेना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो देन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम बात करें टाइम कितना मिलता है इसमें, तो 90 मिनट की टाइम ड्यूरेशन मिलती है इसमें, और इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली जनरली जो आपको बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एटलीस्ट आपके करीब 30 से 35 मिनट में जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सॉल्व हो जाता है। तो टाइम का कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फाइनल एग्जाम में, आप इजिली पेपर को बहुत जल्दी टाइम में कर सकते हैं। और अगर कोई स्लो भी करता है तब भी उसका विद इन टाइम ये एग्जाम हो जाता है। तो देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैटर्न से आपको पता चलता है कि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और सभी क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और टाइम की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखनी। अगर बात करें कौन कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो आपको एटलीस्ट 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप उनको कौन कौन से टॉपिक पे आपको मेजरली फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है, और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको कृषि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो दोनों अवेलेबल है, हॉर्टिकल्चर का भी पेपर अवेलेबल है और आपका जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके बाद हम देखें नेमरा सुंडा की बुक आपको फॉलो करनी है, काफी अच्छे से इस बुक को कवर करना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन जो बुक है, बेसिक बुक है, तो इसके भी आप जो डिफरेंट यूनिट्स हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। आपको सबसे अच्छे से याद रखना है कि आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम है, तो आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागते हुए जो कम रिसोर्सेज है आप एटलीस्ट 2 बुक ले सकते हैं कोई भी, और एक ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ले सकते हैं। तो इन 3 बुक को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, तो देन आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप एग्जाम में ले सकते हैं।
तो नेमरा सुंडा की बुक आपको फॉलो करनी है, देन आपको अरुण कात्यायन की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन, ये दोनों बुक अच्छे से फॉलो करनी है। और अगर किसी स्टूडेंट की ये दोनों बुक पहले से फॉलो है तो देन वो आर के शर्मा की बुक के साथ भी जा सकता है। तो देन आपको ये तीन बुक अगर आप कर लेते हैं तो देन आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से इजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी लगाने हैं, तो देन उससे क्या होता है कि आपके जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो आपके माइनर एरर होने के चांसेस रहते हैं, वो यहाँ पे कम होते हैं। तो देन आप एस आर कांतपा की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको अच्छे से लगाएं, और इनसे तीनों से के जो लेक्चर्स हैं वो कृषि यूट्यूब चैनल पर बेसिकली अवेलेबल है, तो आप उनको पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट बनी हुई है, देन वहां से आप उनको इजिली देख सकते हैं और 2 से 3 दिन में आप इनको कवर कर सकते हैं सारी बुक्स को। देन अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इसमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका एग्रोनॉमी। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर एग्रोनॉमी में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे मेजरली टारगेट किए जाते हैं इस एग्जाम में, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है, ठीक है, कहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है वो सारी की सारी आपको हिस्ट्री अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसमें अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं आपके, ठीक है, तो वो सारे इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया एग्रीकल्चर में, तो ये सब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे इनके बारे में होना चाहिए। देन आपको अगर हम बात करें एग्रीनॉमी में, तो जो आपका क्लाइमेट है, वेदर, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज किसको मेजर करने में करते हैं, जो अलग अलग इक्वल पॉइंट्स शो करते हैं उनको हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो ये सभी एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देन एग्रोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है वो है आपका टिलेज। टिलेज से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका वीड मैनेजमेंट जो है, वीड मैनेजमेंट में बेसिकली आपके कुछ वीड्स के नाम दे देंगे पर्टिकुलरली क्रॉप का, कौन सा वीड एनुअल है, कौन सा वीड बाई एनुअल है, इस तरीके के क्वेश्चन हुए। देन इसके बाद आपका जो डिफरेंट हर्बिसाइड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन, कौन सा हर्बिसाइड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो टिलेज मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, इसके बाद आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में आपको दोनों कंडीशन देखना है कि अगर आपका बेसिकली ड्रॉट कंडीशन में क्या कौन कौन से मेजर्स आप फॉलो कर सकते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का आपको पूरा देखना है, और वाटर मैनेजमेंट में आपको जो इरिगेशन की डिफरेंट प्रैक्टिसेस वो आपको पता होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो देन ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शंस इसमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आपका जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, कब आपको मैकेनिकल टेक्निक्स फॉलो करनी है, कब आपको एग्रोनॉमिकल जो मेजर्स हैं वो अप्लाई करना है, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रिसिशन फार्मिंग क्या होती है, इनका एक बेसिक आइडिया नॉर्मली तौर पर देखें, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो ये सब एक नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ से एग्रोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका सॉइल साइंस, तो आपको जो डिफरेंट सॉइल्स के ग्रुप हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए सॉइल साइंस में, और जो आपके डिफरेंट अयस्क वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सॉइल साइंस में होनी चाहिए, क्योंकि सॉइल साइंस से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। देन अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले आपका फ्रूट का, वेजिटेबल का और फ्लावर का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पहला फ्रूट का और दूसरा वेजिटेबल का। फ्लावर के क्लासिफिकेशन से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। देन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में वैरायटीज से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको वैरायटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो कौन कौन सी वैरायटीज क्या है, और जो आपके अलग अलग कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज के मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और सीड टेक्नोलॉजी, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें आपको बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है और एकदम बिल्कुल ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि इनसे क्वेश्चंस आए तो वो आपसे छूट जाए। तो अगर आप ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग में आप बेसिकली हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, जैसे सी टी पटेल वगैरह ने कॉटन की डिस्कवर, कॉटन का जो फर्स्ट हाइब्रिड उसको बनाया, तो ये सब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रीडिंग की हेल्प से, तो ये बेसिक आइडिया आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देन इसके बाद आपकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन सी मेथड कब अप्लाई की जाती है, कौन सी मेथड सेल्फ में अप्लाई की जाती है, कौन सी क्रॉस में अप्लाई की जाती है। इसके बाद जो आपका प्लांट का बैकग्राउंड रहता है, जेनेटिक बैकग्राउंड, कौन सा हेट्रोजाइगस है, कौन सा होमोजाइगस है, हेट्रोजीनियस कौन सी वो है, देन होमोजीनियस कौन सी लाइन है, तो ये सब आपको एक जो जनरल आइडिया होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रीडिंग में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है पर्टिकुलरली स्पीसीज में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्रोमोसोम नंबर में कंफ्यूजन होता है, और हम एक पर्टिकुलर जैसे वीट की भी बात कर रहे हैं तो उसमें जो अलग अलग स्पीसीज होती है, कौन सी स्पीसीज डिप्लॉइड है, कौन सी स्पीसीज टेट्राप्लॉइड है और कौन सी हेक्साप्लॉइड है, तो उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए।
और ब्रैसिका की जब हम बात करते हैं तो आपको जो ब्रैसिका का ट्राइंगल होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इसमें अगर ब्रीडिंग में हम देखें, सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम देखें प्राइमरी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जर्म प्लांट कंजर्वेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एनपीपीजीआर हुआ आपका, ये अच्छे से पता हो। और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्रॉप इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में नहीं, मतलब एक बेसिक नॉलेज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस क्रॉप से मैंडेटरी क्रॉप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद जो डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स हैं आपकी वो आ जाएंगी, जैसे प्योर लाइन, पेडिग्री मेथड, बल्क, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, रिकरेंट सिलेक्शन, फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ये सारी जो मेथड्स हैं आप, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लोनल क्रॉप्स में हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। देन इसके बाद आपको म्यूटेशन ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, इसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, और सिंपल मतलब बेसिक टाइप। तो इसके बारे में आपको एक बार बस जस्ट देख लेना है कौन सा म्यूटेशन आपका केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, और फिजिकल में कौन सा आपका पार्टिकुलेट है, कौन सा नॉन पार्टिकुलेट, आयोनाइजेशन रेडिएशन है, कौन सी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आपको एक जनरल आइडिया। देन आपको यहाँ पे जो आपका पीपीबीआर है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में जो आया था बेसिकली, तो उसके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए किस तरीके से। देन अगर हम बात करें जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बट इतना पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स की हिस्ट्री, देन मेंडेलियन जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो बेसिकली आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले दोनों प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या क्या बोलते हैं, मतलब उनका मतलब क्या, ये पता होना चाहिए। देन आपके जो सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कौन कौन से एक्सेप्शन है मेंडल्स के लॉ के, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो डिफरेंट जीन इंट्रेक्शन है, जीन इंट्रेक्शन में अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है तो 9:7 हुआ आपका, डुप्लीकेट डोमिनेंट इंट्रेक्शन है तो 15:1 है आपका। देन अगर आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो 9:3:4 है। अगर आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो आपका 12:3:1 है। तो देन इस तरीके के जो सारे रेशियो है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलीमरिक जीन एक्शन है तो 9:6:1 है। तो ये सारे के सारे आपको एक जो बेसिक रेशियोज वगैरह होते हैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और कौन सा जीन हाइपोस्टेटिक है, एपिस्टेटिक जीन होता है, ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका यहाँ से, वो है लिंकेज। लिंकेज के बारे में पता होना चाहिए, मतलब किस तरीके से अगर वो टेंडेंसी शो कर रहे हैं तो लिंकेज की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, देन वो आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वहां से। देन इसके बाद आपका मॉलिकुलर जेनेटिक्स में जब आते हैं तो रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए का डीएनए से बनना रेप्लिकेशन है, कौन कौन से उसमें एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो डीएनए से अगर आपका आरएनए बन रहा है तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो ये क्या आपका ट्रांसलेशन है। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए आरएनए से डीएनए का बनना क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको जनरली पता होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है कि आप मतलब एक पर्टिकुलरली अगर ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ना है तो इनिशिएशन फैक्टर्स कौन से हैं, ये सब आपको बहुत एकदम मतलब ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। नॉर्मली आपको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारी चीजों को कवर करते हुए जाना है। हिस्ट्रिकल जो आपका एस्पेक्ट है वो अच्छे से देख लेना है। और जो आपका इसमें बेसिकली अगर आपका सीड टेक्नोलॉजी में हम देखें तो सीड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है सीड के कलर का जो टैग होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूक्लियस सीड को हम कोई भी टैग नहीं देते हैं, ब्रीडर को क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। तो देन जनरली ब्रीडर को आपका गोल्डन कलर का सीड का टैग देते हैं, गोल्डन येलो कलर का। इसके बाद जो सर्टिफाइड आपके सीड्स होते हैं उसको हम ब्लू कलर का टैग देते हैं। तो ये आपको जनरली टैग वगैरह का नाम पता होना चाहिए कौन सा कलर है। फाउंडेशन को जनरली आपका व्हाइट कलर का टैग देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंट सीड के वो। देन इसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस, जो आपकी डिफरेंट क्रॉप्स हैं कौन सी क्रॉप के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस देनी है। क्रॉस पोलिनेटेड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा होती है सेल्फ कंपेरिजन में, सेल्फ की कम होती है क्योंकि उसकी मार्फोलॉजी क्रॉस पोलिनेशन को इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं करती है। तो ये आपको मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए सीड के टेक्नोलॉजी में। और कुछ जो क्रॉप्स हैं जैसे राइट, इसमें अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखें तो करीब आपकी तीन चार क्रॉप की आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि राइस का आपको पता हो कि राइस में कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जर्किंग वगैरह की जो स्टेप्स होती है वो किस में फॉलो करते हैं, स्टेगर्ड प्लांटिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं, किस क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो एक जनरल आइडिया है, नॉर्मल जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मेल फीमेल की जो रेशियो होते हैं, कितनी आपको मेल लाइन यूज करनी है, कितनी फीमेल लाइन यूज करनी है। ब्रीडिंग में अगर आपको एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि जो आपके डिफरेंट हाइब्रिड्स बने अभी वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में।
कौन सा हाइब्रिड कंपन है और उसका क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और हाइब्रिड ब्रीडिंग में अगर हम देखें तो मेल स्टेरिलिटी आपको पता होना चाहिए, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जनरली एक से दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और आपकी जो ए बी आर लाइन सिस्टम रहता है, ठीक है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, ये पता होना चाहिए। दो लाइन, टू लाइन सिस्टम क्या होता है, थ्री लाइन सिस्टम क्या होता है, तो ये जनरली आपके नॉर्मल जो एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं। अब बात करें हम फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी में आपके एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जनरली यहाँ से आता है वाटर रिलेशनशिप, जो आपका वाटर पोटेंशियल हुआ, ये सारे जो पोटेंशियल्स वगैरह होते हैं वहां से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा आपका, ठीक है, जो डिक्सन जॉली का वो था, तो देन वहां से भी आपकी थ्योरी थी उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में आपका वाटर रिलेशनशिप क्वेश्चन आता है। दूसरा है आपका फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन जनरली आता है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन में जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरीके से यूज करना है, देन आपका फिर रेस्पिरेशन में किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस किस तरीके से वर्क करता है, देन फिर आपका क्रेब्स साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, और देन फिर आपका ईटीएस किस तरीके से वर्क करता है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, कहाँ पे ये आपके जो डिफरेंट साइकिल्स हैं वो होते हैं। देन इसके बाद आपको फोटो पीरियडिज्म वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो आपको पता होना चाहिए, वर्नलाइजेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम देखें फिजियोलॉजी में आपके जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ से एकदम बिल्कुल बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कमी से जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। देन जनरली आपका एक ही क्वेश्चन आता है जहां तक जिंक की डिफिशियंसी खैरा डिसीज होता है, तो देन वो ही आपको रोग पता होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन फेवरेट है इस एग्जाम का, तो देन ये पता होना चाहिए। एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी की बात करें तो जो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी उनके आपको इंसेक्ट्स के नाम पता होना चाहिए, साइंटिफिक जो नेम है उनके, और आपके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट निमेटोड्स हैं उनके द्वारा कौन कौन सा डिजीज होता है तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से पिछले साल भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 6 से 7 क्वेश्चन थे स्टैटिक्स से, तो देन आपको ये स्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो काफी अच्छे से आपको कवर करना है। स्टैटिक्स में बेसिकली आपका मीन मीडियन मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर क्या है, इसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, देन इसके बाद हम जो डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट हुआ आपका, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, जेड टेस्ट हुआ, एफ टेस्ट हुआ, तो कौन सा टेस्ट हम कब यूज करते हैं, तो ये सब आपको टेस्ट वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद जो डिफरेंट आप डिजाइन यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आरवीडी कहाँ पे यूज करेंगे, सीआरडी कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये सारी डिजाइन वगैरह के बारे में आपके बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते, जनरली इजी पूछते हैं, तो ये भी आपका नेमरा सुंडा की जो बुक है उससे फॉलो करेंगे तब वहां से आपको मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा, और देन आर के शर्मा की जो बुक है उसमें भी ये पोर्शन काफी अच्छे से दिया गया है। अब बात करते हैं पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको अच्छे से पता होना चाहिए पैथोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हिस्ट्री से आपको। देन फिर अगर हम देखें यहाँ पे पैथोलॉजी में तो जो आपका डिफरेंट प्रोसेसेस होती है यहाँ पे, ठीक है, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक कौन कौन सी हैं और कौन सी एपिडेमिक कब आई थी, ठीक है, तो ये सब आपको आयरस फेमाइन कब आई है, ठीक है, बंगाल फेमाइन कब आई है, तो ये सब फेमाइन्स वगैरह के बारे में आपको ब्रॉड नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। देन इसके बाद आपको बात यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है या डिसीज मैनेजमेंट होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन से फंगीसाइड हम यूज करते हैं, कौन सी फंगीसाइड सिस्टमिक है, कौन सा फंगीसाइड नॉन सिस्टमिक है, कौन सा फंगीसाइड किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। डोजेस वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये बेसिक नॉलेज आपको इनका होना चाहिए। फिर आता है आपका एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स। तो एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो जो आपकी डिफरेंट एस्पेक्ट है एक्सटेंशन की, जो बेसिकली आपके प्रोग्राम्स कंडक्ट में पहले, ठीक है, मार थेंटम प्रोजेक्ट हुआ आपका, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हुआ, गुड़गांव प्रोजेक्ट हुआ, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा पर्सन इनसे रिलेटेड है वो सब आपको इनमें पता होना चाहिए एक्सटेंशन वगैरह। और जो डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स अभी भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह जो रिलीज हुए हैं वो सारे मेजर इवेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं आपकी वो आपको पता होना चाहिए, डिमांड सप्लाई किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करती है, और ये जो बेसिक आपकी थ्योरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन फिर कुछ क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम और एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आ जाते हैं, तो देन उसके लिए भी आप यहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड जो मेजर होता है, बायोम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, फूड चेन वगैरह के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये सब जो मेजर पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके बारे में आपको एक नॉर्मल आइडिया यहाँ पे होना चाहिए।
अब अगर हम देखें पर्टिकुलरली क्या क्या आपको इसमें बेसिकली फॉलो करना है, तो सबसे पहले इस एग्जाम को अगर आपको काफी अच्छे नंबर के साथ क्रैक कर रहा है तो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको किसी भी कंडीशन में सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे। तो देन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तब भी आपके 25 क्वेश्चंस सही होने के चांसेस रहते हैं। तो देन आपका यहाँ पे एटलीस्ट कटअप तो बेसिकली आपका निकल ही जाता है जनरली। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। दूसरा है कि सिली मिस्टेक्स को जनरली आप यहाँ पे अवॉइड करें। बेसिकली जो नॉर्मली जनरली कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि कठिन आते हैं, मतलब टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आप गलत करके आएंगे और वो ही क्वेश्चन दूसरा जो स्टूडेंट है वो सही करके आएगा, तो देन वहां पे आपकी सीधी बात है कि आपकी रैंक घट जाती है। तो जो क्वेश्चंस आपके सिंपल हैं और जिनको आप अच्छे से सही कर सकते थे, उनको कभी भी आप गलत ना करें। इनको अगर आप गलत करेंगे तो आपकी रैंक हमेशा रिड्यूस होगी और देन आपको सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करें, और बहुत ज्यादा इसका वर्डन न लें, मतलब पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत ईजी आता है, बट आपको सारे एस्पेक्ट के बारे में एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। आपने 4 साल एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारे सब्जेक्ट के बारे में होती है, बट अभी आपको थोड़ा उसको सारे पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेना। डोंट रीड इट टू मच डीप। तो सही पॉइंट है कि आपको बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, आपको एकदम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 1 month का टाइम है जनरली आपके पास, और अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा उसमें पढ़ेंगे देन आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा बाकी सब्जेक्ट। तो आप सभी सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलें, देन इसके बाद यू हैव अ लिमिटेड टाइम, यूज इट वेरी वाइज। तो देन जितने भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं उनमें से थोड़ा भी कट के अपने एग्जाम पे अगर फोकस करेंगे तो देन यहाँ पे आपको बेनिफिट रहेगा। अगर हम इसमें देखें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से रहता है, तो 50 to 60 क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस के वीट का नाम क्या, राइस का नाम क्या, बॉटेनिकल नाम, प्रिटिकम, एस्टिवम वगैरह, ओराइजेसेटाई वगैरह। देन पूछ लेगा ओराइजेसेटाई की कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन कौन सी है, ओराइजेसेटाई ब्लूबेरी में। देन ये पूछ लेगा कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, जेपोनिका, इटैलिका, इंडिका। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जेपोनिका, जेवेनिका और इंडिका वगैरह। तो देन 50 to 60 क्वेश्चंस बहुत ही मीडियम आते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन ये जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें आप ये ट्राई करें कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो रहे, बहुत कम ही क्वेश्चंस आपके, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गलत हो, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। ये इजी क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना है कि ये आपके किसी भी कंडीशन में गलत ना हो, यही आपकी रैंक बनाएंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है मीडियम क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है, मीडियम तौर पर आता है, तो देन ये आपके जो मीडियम क्वेश्चन है उसमें से आप यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 या 25 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे बना सकते हैं आप इजिली। देन इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे आते हैं, मतलब कि अगर नॉर्मल अगर अच्छे से भी पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है तब भी वो यहाँ पे नहीं बन पाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया था फॉल आर्मी बॉम्ब का यहाँ पे दे दिया था कि देन ये किसका इंसेक्ट पेस्ट है, तो फॉल आर्मी बॉम्ब FAW किसका इंसेक्ट पेस्ट है। इसी तरीके के कुछ और भी क्वेश्चन दिए थे, मतलब जो एकदम बिल्कुल उस तरीके के। तो देन कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, इनको भी आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, बट बेसिकली जो आपका टारगेट होना चाहिए इजी और मीडियम क्वेश्चंस को आपको काफी अच्छे से करना है। इन हार्ड में से अगर आप एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस टारगेट कर जाएंगे, ठीक है, तो देन आपको 75 से लेके 80 के बीच में इजिली नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, और इतना स्कोर अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम में कर लेते हैं तो देन आपका पक्का है कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो जनरली मिल जाता है। जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एग्रोनॉमी हुआ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हुआ, तो सबसे ज्यादा बेसिकली इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। तो देन इनमें अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको नॉर्मली ये बहुत इजीली मिल जाएगा। कट ऑफ मार्क्स अगर हम देखें तो 30% मार्क्स होते हैं एससी और एसटी के लिए, और जनरली अगर आपके 100 में से आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करते हैं तो 25 तो आपके डायरेक्टली ही सही हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो देन वहां पे आपके करीब 10-15 क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं क्योंकि आपने 4 साल की डिग्री करी है। तो देन आप ये कट ऑफ स्कोर तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, और आपका जो जनरल और ओबीसी के लिए है वो आपका 40% मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना रहता है, तो कट ऑफ जनरली यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। और इस एग्जाम में इतनी सीट्स हैं जनरली कि आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो देन आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट इजिली मिल ही जाता है। बहुत ज्यादा सीट्स हैं आपके, करीब 600 के समथिंग सीट्स हैं, तो देन आपको यहाँ पे इजिली सिलेक्शन हो जाता है। तो देन आपको बेसिकली जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको टारगेट करना है। बेसिकली आपका एग्रोनॉमी होना चाहिए आपका मेजर डिपार्टमेंट, या फिर आपका होना चाहिए यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग
या जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये आपके दो टारगेट सब्जेक्ट होने चाहिए कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट में या इन्हीं डिपार्टमेंट में बेसिकली एडमिशन लेना है। तो ये आपका है, देन 65 से लेके 80 मार्क्स के बीच में है, तो आपको एग्रोनॉमी और ब्रीडिंग डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये बेसिकली आपका इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है इस एग्जाम में, और एक मंथ का जो टाइम है उसमें आप काफी अच्छे से पढ़ें तो देन यहाँ पे आप इस एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप देखें तो यूट्यूब पे सारी की सारी पिछले साल की जो वीडियोस हैं इस एग्जाम से रिलेटेड वो पूरी अवेलेबल है आपको, काउंसलिंग में कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स थी पिछले साल और किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देन अभी उसके बारे में नहीं सोच के आपको अभी बेसिकली एग्जाम के बारे में सोचना है कि किस तरीके का एग्जाम आया था, तो वो सारे के सारे पेपर्स वगैरह यहाँ पे अपलोडेड है। देन इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी कृषि चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको करीब 300 PDFs अवेलेबल है डिफरेंट जो आपकी जुड़ी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट से, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सारी की सारी PDFs यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं जो आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी से डाउट हो रिलेटेड देन आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और देन या फिर मुझसे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, देन आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि देन आपके जो डिफरेंट क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। और इससे रिलेटेड जैसे आपकी बुक है, जैसे कि आपको नेम रसुंडा बुक अगर पढ़नी है तो देन वहाँ पे उसकी भी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसको आप 1 से 2 दिन में मतलब पूरी की पूरी नेम रसुंडा वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं इजी। इसी तरीके से आपकी SR कांतवा की जो बुक है उसकी भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल पे। देन अरुण कात्यायन के भी कुछ लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, करीब 8 से 9 लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल है। और भी जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी की जो आपकी रेड्डी एंड रेड्डी बुक्स वगैरह हैं, तो इनके लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।